वो आप भ्रमण करें। अब बात करते हैं एक और बड़े मसले को लेकर के, जेओ के जो अभ्यर्थी है वो आज सचिवालय पहुंचे थे सीएम से मिलने, लेकिन 10:30 बजे पहुंचे, सीएम इनको नहीं मिले। उसके बाद 5 बजे के आसपास जो है वो काफी बौखलाहट में ये नजर आए कि हमें बुलाया गया, उसके बाद सीएम मिल नहीं रहे हैं, फिर 5:30 बजे सीएम इनसे मिले। अब देखिए जेओ के जो अभ्यर्थी आज फूट फूट कर रोए हैं, ये वही बच्चे हैं जो आने वाला भविष्य है कह सकते हैं आप। इन बच्चों ने आज साफ तौर पर ये कहा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो भाजपा की सरकार हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था उसी विज्ञापन के तहत हमने जो है वो कह सकते हैं आप एग्जाम में बैठे, हमने एग्जाम क्लियर किया, इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर किया, फाइनल रिजल्ट सरकार ने रोक कर रखा है। ऐसे में आज इन्होंने डिमांड की कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो को केस लगा हुआ है 25 तारीख को, उसमें जो है वो एप्लीकेशन दायर करें राज्य सरकार, और सीएम सुक्खू ने आश्वासन दिया है इनको कि हम 25 तारीख को एप्लीकेशन भी दायर करेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कही है कि इसी मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहेंगे कि इस पर जो है वो अंतिम फैसला जल्द से जल्द लें, यानी सरकार की तरफ से ये रुख स्पष्ट करेंगे कि इस पर जो अंतिम फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट दे दें। उसके बाद सीएम ने कहा कि जब ये मैटर मेरे पास आएगा सुप्रीम कोर्ट से तो फिर उसके बाद मैं इस पर आगे जल्द से जल्द कदम उठाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो जो अभ्यर्थी है वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि 3 से 4 साल हो गई है लगभग इस मैटर को, लेकिन सॉल्व आउट नहीं हो पाया। हिमाचल दस्तक टीवी ने भी इस मसले को काफी लंबे समय से उठाया है, लेकिन ये अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और कई बच्चे रो पड़े, कुछ एक उसमें ऐसी महिलाएं थी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी शादी हो गई है और घर में भी जो है वो अलग काम भी करना पड़ता है, साथ में हमने जो है वो परीक्षा की तैयारी भी की, लेकिन परीक्षा की तैयारी के बाद सब कुछ हो गया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ऊपर से कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड हुआ है, फिलहाल 30 दिन सरकार ने मांगे हैं कि हमें 30 दिन दीजिए, उसके बाद हम इसको आगे किस प्रकार से संचालित करेंगे, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा किस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग, काफी भर्तियां फंसी हुई है, कई जो पोस्ट कोड है उसकी भर्तियां फंसी हुई है। और आज अभ्यर्थियों ने कहा कि सिस्टम ने हमें केवल आंसू दिए हैं और कमीशन पास करना इतना आसान नहीं, ये बच्चों ने कहा, और हमें काफी लंबे समय से हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन तैयारी करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आता तो बहुत दुख होता है। कुछ एक जो अभ्यर्थी है वो रो पड़े कैमरे के आगे जब हमने आपको लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दिखाया। बहरहाल प्रदेश में बेरोजगारी की जो संख्या है, बेरोजगार जो बच्चे हैं 12 लाख से अधिक हो गए हैं, 70 लाख के स्टेट में अगर आप 12 से 14 लाख के आसपास यदि बेरोजगार हो तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 5 उन राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश है बेरोजगारी में, जहां सबसे अधिक बेरोजगारी, किसी से छुपा नहीं है, कांग्रेस की सरकार हो भाजपा की सरकार हो, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन बेरोजगारी को लेकर के कोई कुछ नहीं कहता है। हालांकि सीएम सुक्खू ने दावा किया है कि 1 लाख भर्तियां 5 साल के अंदर करेंगे, फैसला भी ले लिया है कैबिनेट में, लेकिन क्या हो पाएगी ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। भविष्य के गर्भ में अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर इस प्रकार से जो बेरोजगार है उनका गुस्सा भी झेलने को मिलेगा। और आज जियो के अभ्यर्थियों ने यह कहा कि जिस प्रकार से पिछली सरकार में जो मंत्री हारे हैं उनसे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बेरोजगार है उनमें कितना दर्द छिपा हुआ है। तो ये बेरोजगारों की जो है वो आज कह सकते हैं आप दर्द था बेरोजगारों का, जो उन्होंने जाहिर किया, रोए भी और आश्वासन मिला है। देखना पड़ेगा 25 तारीख को एप्लीकेशन दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं हो पाती, 25 तारीख को इसकी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले को लेकर के। टीजीटी पीजीटी जो पोस्टें खाली चल रही है जी, ये कहा है कि 1 महीने का समय मांगा है, 1 महीने के बाद जो भर्तियां हैं प्रदेश के अंदर वो भी शुरू कर दी जाएगी। सर एचपीएसएसबी आयोग में फंसी भर्तियों पर सरकार क्या कर फैसला ले रही है? देखिए 1 महीने का समय मांगा है, अभी तक क्या कर्मचारी चयन आयोग जिसको सस्पेंड किया है वो फिर से वहीं पर शुरू होगा नए अधिकारी को बिठा करके, या उसको शिफ्ट किया जा रहा है? स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। सीएम सुक्खू फिलहाल आज जो है बैठक तो हुई है लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जैसे कोई नया अपडेट आएगा आपको जरूर बताएंगे। जब तक कर्मचारी चयन आयोग जो सस्पेंड हुआ है या ये संचालित आगे होता है तब तक कोई भी रिजल्ट दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो फाइनल रिजल्ट निकलना है किसी भी पोस्ट कोड का इंतजार करना पड़ेगा।